हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का क्लास 3 का नंबर वर्क्स सेकंड लेसन सीखेंगे बच्चों। सो बहुत इजी लेसन है, आपको समझ में आएगा बच्चों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, लेसन नंबर 2, नंबर वर्क्स। आपको वर्कबुक में बच्चों समेटिव इवैल्यूएशन दिया गया है, रिटन प्रैक्टिस वर्क आपको यहाँ पे दिया गया है। वेरी सिंपल है ये, देखिए क्या करना है। यहाँ पे राइट इन वर्ड्स द नंबर्स गिवन इन फिगर्स, मींस यहाँ पे जो नंबर फिगर्स में दिए गए हैं आपको उनको वर्ड्स में लिखना है। ओके, सो जैसे यहाँ पे 19 लिखा है वैसे यहाँ पे 19 का स्पेलिंग आएगा, राइट। 95 का स्पेलिंग आएगा, 63 17, 76, 34, 50, 45, 23, 82, 98, 75, 41, 36 and 83। आपको यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट इन फिगर्स द नंबर्स गिवन इन वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे अभी वर्ड्स में दिए गए हैं, आपको उसको फिगर्स में लिखना है, मीन्स नंबर में लिखना है। यहाँ पे दिए गए हैं 18, तो यहाँ पे लिखा है 18, 67, 54, 72, 92, 92, ओके, 39, 43, 42, ओके 43 यहाँ पे आएगा, 91, 55, 40, 86, 38, 73, 89, 27, ओके। सो यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखने थे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, देखिए इन द टेबल बिलो कलर द बॉक्सेस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 रेड, द बॉक्सेस ऑफ द नंबर्स 11 to 20 ग्रीन, एंड दस कलर्स ऑल द बॉक्सेस यूजिंग डिफरेंट कलर्स। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 1 to 10 तक के जो नंबर्स है उनको रेड कलर करना है। ओके, रेड कलर 1 to 10 तक, मीन्स आपको यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे है, 2 उसके बाद 3 यहाँ पे है, 4, 5, 6 देन 7, तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं 1 to 10 तक और उसे रेड कलर करना है उस बॉक्स को। ओके, उसके बाद 11 to 20 के जो नंबर्स हैं उनको ग्रीन कलर करना है, जैसे कि यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे 13 है, देन 14, तो आपको यहाँ पे 14 है तो आपको उसको 11 to 20 नंबर्स तक आपको ग्रीन कलर करना है। ओके, एंड जो बचे हुए बॉक्सेस है आपको उसमें अलग अलग कलर फिलअप करने हैं। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये समझ में आया। देन यहाँ पे आपको ओरल वर्क दिया गया है, लर्न हाउ वी राइट 100 इन डिफरेंट वेज। अभी ये यहाँ पे बच्चों हम 100 कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। 100 यूनिट्स मेक 100, 100 यूनिट्स मीन्स कोई चीज़ हो या कोई नंबर हो, अगर वो 100 तक आएगा तो हम उसे 100 कहेंगे। ओके, हियर आर 100 कैंडीज, तो यहाँ पे इस प्लेट्स में क्या है, 100 कैंडीज हैं। ओके, सेकेंड 10 tens are 100, 10 टाइम अगर tens हो तो वो क्या बनता है 100, जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, तो tens 100 मिला के बनता है हमारा 100। ओके, सो नेक्स्ट ओके यहाँ पे बच्चों आपको टेंस लिखना है, क्या करना है देखिए, रिटन प्रैक्टिस में आपको दिया गया है, यहाँ पे टेंस के बंचेस यहाँ पे मैच स्टिक्स दिए गए हैं, राइट। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने टेंस है यहाँ पे, तो 10 tens ऑफ मैचेस, 1 make 100 matches, means यहाँ पे 10 times 10 से हम एक को tens कहते हैं और बाकी के बच्चे सारे पूरे 10 है तो उनको 10 tens कहेंगे।
ओके यहाँ पे देखिए, सेकंड में हमें यहाँ पे बोला है 20 के वन नोट है, सो 20, 20, 40, 60, 80 और 100। तो 20 के वन नोट हो और वो पूरे मिला के पाँच हो तो टोटल कितना बनता है 100। तो 5 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच मेक 100 रुपीज़, दैट इज़ 100 रुपीज़। तो इसे भी कहेंगे हम 100 रुपीज़। तो 10 टेंस मिला के भी 100 होते हैं, 25 टाइम करें तो वो भी 100 होते हैं। ओके सो यहाँ पे बच्चों को ओरल वर्क दिया गया है, द बिगेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। ओके ऐड 1 to 9, 9 plus 1 10, 10 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें बोला है कि बिगेस्ट नंबर जो वन डिजिट होता है वो 9 होता है और स्मॉलेस्ट जो टू डिजिट नंबर होता है वो 10 होता है। द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, ऐड 1 to 99, 99 plus 1 is equal to 100, 99 को में 1 ऐड किया ये बना 100। सो 100 इज़ द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, तो 100 क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। The new place on the left in the three digit number 100 in the place of hundreds, H is written for hundreds, means जब हमें 100 यहाँ पे mention करने हो तो हम वहाँ पे जो हमारा box होता है वहाँ पे हम H लिखते हैं। जैसे unit का आपको पता है बच्चों U लिखते हैं, tens का ten T लिखते हैं, वैसे ही 100 का H लिखते हैं। तो 100 means 100, तो यूनिट में 0 आएगा, टेंस में 0 आएगा और 100 में 1 आएगा, तो ये नंबर क्या बना आपका 100। ओके थ्री डिजिट नंबर्स, रीडिंग अ थ्री डिजिट नंबर्स, तो आपको यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर रीड करना सीखना है बच्चों। तो फर्स्ट रीड द 100 प्लेस डिजिट एंड देन रीड द अदर टू डिजिट टुगेदर, मीन्स 3 है सो ये 300 के प्लेस में है, 2 है तो टेंस के प्लेस में है और 7 जो है वो यूनिट के प्लेस में है। तो इसे रीड कैसे करेंगे 327, तो यहाँ पे भी वही लिखा है 327। ओके यहाँ पे नेक्स्ट नंबर दिया गया है 405, तो उसे भी हम कैसे लिखेंगे 405, तो 0 के अभी टेंस प्लेस पे है लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सो नेक्स्ट जो 5 है उसे हम कैसे डिलीट करेंगे, देखिए 405। उसके बाद 670 नंबर दिया गया है, तो 670, तो 670 यहाँ पे लिखा है। ओके अभी यहाँ पे हमें असाइनमेंट्स दी गई है, फिल इन द बॉक्सेस बॉक्सेस, क्रेयॉन्स यहाँ पे दिए गए हैं, कौन से 100 प्लेस पे हैं, कौन से टेंस और यूनिट में हैं, वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। सो यहाँ पे जो क्रेयॉन्स है ये पूरे 100 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H लिखा है, मीन्स ये सारे जो क्रेयॉन्स है वो कितने हैं, 100 क्रेयॉन्स है और बचे हुए 2 क्या हुए, यूनिट। ओके सो 100 में 1 आएगा क्योंकि 100 है और टेंस में 0 आएगा क्योंकि टेंस यहाँ पे दिए गए नहीं है और यूनिट 2 है तो 2 यहाँ पे यूनिट में आएगा। तो फिगर में कैसे लिखेंगे 102 100 अभी यहाँ पे रीड कैसे करेंगे उसे 102। ओके सो यहाँ पे भी सेम है, देखिए 1 बॉक्स है 100 का, उसके बाद 3 यूनिट्स है, तो यहाँ पे टेंस पे कुछ भी नहीं इसलिए 0 आएगा, 100 103। तो इसको लिखेंगे ऐसे लिखेंगे और उसको नंबर्स में, अगर वर्ड्स में लिखना हो नंबर्स को तो हम लिखेंगे 103। ओके सेम यहाँ पे दिया गया बच्चों, देखिए 100 का बॉक्स है, बाकी बचे हुए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 आएगा यहाँ पे, टेंस में कुछ नहीं आएगा क्योंकि टेंस दिया गया नहीं है, तो 106, तो लिखेंगे 106। उसके बाद एक बॉक्स दिया गया है, उस अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लूज में जो क्रेयॉन्स है वो 7 है, तो ये वो यूनिट में जाएंगे, अगेन 0 और टेंस पे 0 आएगा, 107, तो यहाँ पे लिखा हमने 107, तो उसे रीड करेंगे और वर्ड्स में लिखेंगे 107।
ओके यहाँ पे अगेन देखिए वही बॉक्स है 100 का, और यहाँ पे जो क्रेयॉन्स है वो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे पूरे 10 मीन्स 110 है, तो 100 के प्लेस में आएगा 100 एंड 10 के प्लेस में आएगा 1 और यूनिट के प्लेस में 0 आएगा, मीन्स ये नंबर क्या बना 10। ओके सो यहाँ पे फिगर में आएगा 110, तो उसे वर्ड में लिखेंगे 110। ओके यहाँ पे कैसे नंबर बनते हैं ये आपको यहाँ पे सीखना है, और उसे लिखना कैसे है ये भी आपको समझना है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया। ओके यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत इजी है, आपको करना ये है कि ये जो बंच दिया गया है वो एक जो बंच है वो 100 का है, दूसरा बंच 100 का है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहे हैं वो टेंस टेंस के हैं, और बचे हुए जो डॉट्स है वो यूनिट्स हैं। ओके तो आपको यही यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, 200 है राइट, 100 कितने हुए 200, तो यहाँ पे 100 के प्लेस में 2 डॉट्स आएंगे, टेंस के प्लेस में देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 टेंस है, तो यहाँ पे वैसे बिट्स को ड्रॉ करना है, और यूनिट में 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे यूनिट में 4 बिट्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, तो नंबर क्या बना उसका 254। ओके क्योंकि ये 200 बने, ये 550 बने, और ये जो है ये 4 है राइट, तो ये 4 लास्ट में आएगा, तो उसको हम लिखेंगे कैसे 254। तो यहाँ पे भी वैसे ही किया गया बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 600 है, तो 6 यहाँ पे बिट्स आएंगी, 1 2 3 4 के 100 के प्लेस पे 6 बिट्स आएंगी, टेंस यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे टेंस में एक ही बिट आएगा, और जो बचे हुए यूनिट्स है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे यूनिट्स में 5 बिट्स आएंगे, तो नंबर क्या बना हमारा 650 लिखेंगे, 650। उसके बाद ये सेम प्रोसेस है बच्चों, आपको करनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 बिट्स ड्रॉ करने, मीन्स ये 400 बन गए, ये 1 2 3 टेंस है तो ये 30 बन गए राइट, और ये 3 है यूनिट्स में तो ये 3 बन गया। ओके सो 433, तो लिखेंगे 433। ओके तो सेम वैसे ही आएगा, अभी यहाँ पे भी 741 आएगा, 741 सेम, अभी यहाँ पे इतने कितने हैं 100, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 है, टेंस में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, यूनिट्स में दिए गए हैं 9 यूनिट्स हैं ये, तो यहाँ पे बिट्स उतने ही बनाए हैं, तो नंबर क्या बना हमारा 809। उसके बाद सेम वैसे ही करना है, टेंस प्लेस पे 5 है, 100 पे 5 है, टेंस प्लेस पे 7 है, यूनिट में 6 है, तो नंबर बना 576। सेम आएगा बच्चों, 100 प्लेस पे 3 बंचेस है, टेंस प्लेस पे 8 है, और यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 389। सो यहाँ पे भी सेम आएगा, वैसे ही आपको करना है, उसका नंबर बनता है 183। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, मेक 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द गिवन डिजिट ओनली वंस, मीन्स आपको ये यहाँ पे क्या गया, एक ट्रायंगल दिया गया है, वहाँ पे एक एक नंबर कॉर्नर्स पे दिए गए हैं, तो उनको एक नंबर को 2 टाइम हमें 100 प्लेस पे लेना है, मीन्स 6 अगर 600 बोला है राइट, 6 ये 100 प्लेस पे है, तो 6 2 टाइम क्या आएगा 100 के प्लेस में आएगा, तो 6 से देखिए हमने क्या पहला नंबर बनाया 678 और दूसरा बनाया 687। ओके एक बार ऐसे बनाया और एक बार ऐसे बनाया, लेकिन 6 ये 100 प्लेस पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है 600 प्लेस पे होना चाहिए। ओके तो ये 2 नंबर हमने बनाए, उसके बाद 7 को 100 प्लेस पे रख के हमें 2 नंबर बनाने थे, तो 7 को भी 100 प्लेस पे लिखा, तो पहला नंबर हमारा बना 768 और सेकेंड नंबर बना 786, तो यहाँ पे लिखा है देखिए 768 और 786, तो यहाँ पे 8 भी जो है 8 अभी 8 को 100 के प्लेस पे लेना है, तो 8 को क्या करेंगे, 8 को 100 प्लेस पे लेंगे, मीन्स पहले लेंगे 876, ये सब पहला नंबर बना, और दूसरा नंबर यहाँ पे पहला नंबर हमने लिखा 876 और दूसरा नंबर बना 867।
867। ओके, अगेन ऐसे ही आपको ये नंबर्स यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 162 नंबर बनेगा, दूसरा नंबर बनेगा 126। यही नंबर्स हमने रिवर्स किए, लेकिन ये जो 100 प्लेस है वो हमने कांस्टेंट रखी है, वही रखी, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है कि 101 ये 100 के प्लेस पे है। ओके, यही नंबर हमने क्या किया यहाँ पे रिवर्स किया है। तो यहाँ पे 600 के प्लेस पे 621 आया, 200 के प्लेस पे 260 आया, 261 आया। तो सेम यहाँ पे भी हमें करना है, 400 के प्लेस पे लेना है, 900 के प्लेस पे लेना है और 500 के प्लेस पे। जब 400 के प्लेस पे होगा तो नंबर बनेगा 495 और 459, और जब 900 के प्लेस पे होगा तो 954 945, 500 के प्लेस पे होगा तो बनेगा 994 और 549। सेम अभी यहाँ पे भी वही बोला है, 300 के प्लेस पे लेना है, 700 के प्लेस पे लेना है, 300 के प्लेस पे होगा तो उसका नंबर बनेगा 307 370, 7 के प्लेस पे होगा तो 703 730। ओके बच्चों, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आया। तो अभी आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, चेंज द डिजिट इन द नंबर इन द हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट प्लेसेस एंड मेक नंबर्स। मीन्स आपको यहाँ पे 100 के प्लेस पे होगा तब नंबर बनाना है, टेंस के प्लेस पे होगा तब नंबर बनाना है, एंड यूनिट के प्लेस पे होगा तब भी नंबर बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है, 9, 3 और 8 नंबर दिया गया उसको। तो नंबर्स मेड बाय चेंजिंग 100 प्लेस डिजिट, तो यहाँ पे 100 प्लेस डिजिट क्या होगा वो चेंज करके हमें यहाँ पे नंबर बनाना है। नंबर मेड बाय चेंजिंग 100 प्लेस, 100 का जो प्लेस है उसको चेंज करके नंबर बनाना है। तो पहला आया 398। ओके, तो हमने यहाँ पे 300 का प्लेस यहाँ पे रखी है। उसके बाद हमने नंबर बनाया है 389, 983 और 839। तो ये 100 के प्लेस में रख के हमने नंबर्स यहाँ पे बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है नंबर मेड बाय चेंजिंग टेंस प्लेस, अभी आपको यहाँ पे टेंस प्लेस चेंज करना है। तो 938 का बनेगा 983, 389 का बनेगा 398। ओके, यहाँ पे टेंस की जो प्लेस है वो हमने यहाँ पे चेंज किया है। नंबर्स मेड बाय चेंजिंग यूनिट प्लेस डिजिट, तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस के डिजिट है उनके नंबर्स को चेंज करना है। तो 398 389 933 938, तो यहाँ पे यूनिट के जो प्लेस है ये यहाँ पे चेंज किए हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको नंबर्स आते हैं तो यहाँ पे पूरे नंबर्स दिए गए हैं और इसमें आपको क्या बोला है, रीड द नंबर्स इन द नंबर ट्रिप बिलो। तो आपको ये नंबर्स ट्रिप के अकॉर्डिंग रीड करने, 99 100 101 102 103, ऐसे आपको स्ट्रिप के वाइज रीड करने। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, राइट द हेल्प ऑफ द नंबर स्ट्रिप अबाउ, राइट द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर में जो नंबर दिया गया है उस के आगे का नंबर यहाँ पे लिखना है, जो नंबर दिया गया है उसके आगे का। तो 105 के आगे का नंबर आएगा 106, 220 के आगे का नंबर आएगा 221, 409 के आगे का नंबर आएगा 410, 219 के आगे का नंबर आएगा 220। अभी सेकंड क्वेश्चन में बोला है राइट द नंबर जस्ट बिफोर, कि इसके पहले आने वाला नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। तो 400 के पहले आएगा 399, 107 के पहले आएगा 106, 218 के पहले आएगा 217 और 110 के पहले आएगा 109। ओके, अभी यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, मीन्स ये जो नंबर दिया गया इसके पहले का नंबर और उसके बाद का नंबर आएगा। तो 217 के पहले आएगा 217 उसके बाद आएगा 218। तो यहाँ पे देखिए 99 100 and 101 408 409 410। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड नंबर जस्ट आफ्टर,
उसके ठीक पहले आने वाला, ठीक बाद में आने वाला, सेम प्रोसेस में लिखना है हमें 118, 119, 120, 199, 200, 201, 390, 391, 392, 598, 599, 600. तो ऐसे ही ये नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बच्चों, राइट एनी थ्री नंबर्स दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर, उसके बाद आने वाला नंबर। ओके, आफ्टर मीन्स उसके बाद, मीन्स 555 के बाद आता है 556, 557, 558, 399 के बाद आता है 400, 401, 402। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकल में आपको क्या बोला है, राइट अ नंबर विच लाइज बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, मीन्स उसके बिटवीन जो नंबर्स आते हैं, ये सर्कल में जो नंबर्स है उसके बीच में जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने, जैसे कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है तो 87, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है तो 66, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है तो यह आ गया 66, सेम नंबर आया है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे नंबर आएगा 990, ओके 9090। उसके बाद का क्वेश्चन दिया गया है, राइट एनी थ्री डिजिट नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर, तो इसके पहले के नंबर यहाँ पे लिखने हैं, 500 के पहले के, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे 499, 498, 497, यहाँ पे बोला है 601, 600, 599, 598, तो यहाँ पे पहले आने वाले नंबर्स को हमें यहाँ पे लिखना था, इनके पहले आने वाले नंबर्स को। ओके ओके बच्चों, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर एंड स्मॉलर इन द बॉक्सेस, तो आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर ग्रेट है, आपको यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यहाँ पे 10 9 से बड़ा है तो इसके पास आएगा ये साइन, तो 10 इज ग्रेटर दैन 9, 9 ये छोटा है, 10 बड़ा है तो यहाँ पर आएगा ये साइन, सो 9 इज स्मॉलर दैन 10। 5 बड़ा नंबर है तो 5 इज ग्रेटर दैन 3, 3 इज स्मॉलर दैन 5, 50 इज ग्रेटर दैन 49, 49 इज स्मॉलर दैन 50, 23 इज स्मॉलर दैन 25, 73 इज स्मॉलर दैन 75, 500 इज ग्रेटर दैन 490, 499 इज स्मॉलर दैन 500, 500 ग्रेटर दैन 300 एंड 600 ग्रेटर दैन 400। तो यहाँ पे आपको साइन का यूज़ करना है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विच इज़ द बिगर एंड विच इज़ द स्मॉलर नंबर, तो 721 ये बिगेस्ट नंबर है और 589 ये स्मॉल नंबर है, क्योंकि टेंथ प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे सॉरी 100 प्लेस पे 7 है और यहाँ पे 100 प्लेस पे 5 है, तो ऑब्वियसली ये नंबर ग्रेट होगा। 423 स्मॉलर दैन 723, 600 ग्रेटर दैन 497। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही करना है आपको, 427 इज ग्रेटर दैन 267, 150 इज स्मॉलर दैन 501 एंड 813 इज ग्रेटर दैन 79, 300 इज स्मॉलर दैन 624। तो आपको ऐसे रीड करना है और कौन सा नंबर बड़ा है उसके आगे आपको ये साइन यूज़ करना है और कौन सा छोटा है उसके लिए भी यही साइन आपको यूज़ करना है प्रॉपरली। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।